Good morning students, I am Bhavna, your maths teacher. Today we will do exercise 9B. Write down the time shown by each of the following clocks. हमें इसमें time mention करना है जो हमें clock में दे रखा है. Okay, जैसे first में देखो, हमें दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में जो हमारी hour hand है वो है, जो हमारी minutes hand है वो 6 पर है. It means time क्या हो रहा है 3. मैं एक बार फिर बता देती जो मैंने कल आपको बताया था. 5 से कंटिन्यू करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. तो कितना हो रहा है 30, 3 30. हम इसे लिख सकते हैं हाफ पास्ट 3 और यू कैन राइट 3:30, जिसे हम बोलते हैं कि 3:30 बज गए. ओके, ऐसे ही इसमें देखो टाइम जो है क्या हो रहा है, 6 और 7 के बीच में है, यानी हाफ पास्ट सिक्स और यू कैन राइट 6:30. 8 और 9 के बीच में है, हाफ पास्ट 8 और 8:30. ओके, अब ये वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला, चलिए 4 ही कर लेते हैं. 12 और 1 के बीच में है, हाफ पास्ट 12 और 12:30. 5 और 6 के बीच में है, हाफ पास्ट 5 और 5:30. 9 और 10 के बीच में है, हाफ पास्ट 9 और 9:30. ओके, तो इसी तरीके से करना है. ये सारे हमें हाफ पास्ट वाले दे रखे हैं, क्योंकि जो टोटल 1 राउंड होता है वो 60 मिनट्स का होता है. ओके, इसी का हाफ कर देंगे तो 30 हो जाएंगे, यानी हाफ जो है वो पास, यानी आधा घंटा जो बीत चुका है, तो उसके लिए हाफ पास्ट 30 आएगा. ओके, बी देखो, लुक एट द टाइम बिलो ईच क्लॉक एंड ड्रॉ द हैंड अकॉर्डिंगली. हमें टाइम दे रखा है, हमें जो हैंड्स है वो ड्रॉ करनी है. हाफ पास्ट 5 और 5:30, तो 5 और 6 के बीच में जो हमारी आर हैंड है वो आएगी, जो हमारी मिनट्स हैंड है वो 6 पर आ जाएगी. तो ये हो गया हाफ पास्ट 5 और 5:30. हाफ पास्ट 9, यानी 9 और 10 के बीच में हमारी आर हैंड आएगी और जो हमारी मिनट्स हैंड है वो 6 पर आ जाएगी. तो हाफ पास्ट 9 और 9:30. हाफ पास्ट 11, 11 और 12 के बीच में हमारी आर हैंड आ जाएगी और जो हमारी मिनट्स हैंड है वो 6 पर आ जाएगी. तो हाफ पास्ट 11 और 11:30. 6 देखो, हाफ पास्ट 4 और 4:30. 4 और 5 के बीच में हमारी जो आर हैंड है वो आ जाएगी और मिनट्स हैंड हमारी 6 पर. तो हाफ पास्ट 4 और 4:30. ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ कैलेंडर के बारे में बता देती हूँ कि कैलेंडर में किस तरीके से क्या दे रखा होता है. द ड्यूरेशन बिटवीन 1 midnight टू द नेक्स्ट midnight इज कॉल्ड अ डे. द ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज 24 आवर्स. पूरी जो हमारी क्लॉक जो होती है ना, उसमें जो पूरा 1 डे में टाइम होता है वो 24 आवर का होता है. 24 आवर्स का होता है, क्यों? क्योंकि AM में 12 आवर्स और PM में 12 आवर्स. 12, 12, 24. ओके, जैसे मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारा PM होगा, और अगर हमारी जो मिडनाइट होती है उसके बाद 12 बजे के बाद जितना भी टाइम होगा दैट विल बी AM. ये आप स्कूल में आओगे तो मैं क्लॉक से आपको बेटरली समझाऊंगी. ओके, सो 24 आवर्स इज इक्वल 1 डे, 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स. 7 डेज 1 वीक में होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं. एज यू ऑल नो दैट संडे मंडे दीज आर वीक्स, डेज ऑफ वीक. द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक आर एज फॉलो, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यू ऑल नो इट. 30 डेज 1 month, 1 month में 30 डेज होते हैं. देर आर 12 months इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी टू दिसंबर. आफ्टर दिसंबर कम्स द नेक्स्ट ईयर विद जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी आता है. और इसी तरीके से जो मंथ्स होते हैं और ईयर्स होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं. देर आर 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर, लेकिन जब हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर कम्स इन अ 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर
चार साल के बाद जो लीप ईयर होता है वो आता है, उसमें कितने डेज होते हैं? 366। वैसे बेसिकली जो फरवरी मंथ होता है उसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आते हैं ना तो फरवरी मंथ में हमारे 29 डेज हो जाते हैं, तो वन डे जो होता है उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, ये तो था हमारे कैलेंडर के बारे में। बाकी कैलेंडर को आप देखोगे जितने पीछे की एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 9 सी दे रखे, उसी के क्वेश्चन जो है उसी के बिहाफ पर है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9 बी को आप अपने बुक में फिल करेंगे, उस पेज नंबर 153 कैलेंडर को आप अच्छे से रीड करेंगे और एक्सरसाइज 9 सी खुद से करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।